सबसे अहम बात जो है वो कमिश्नरेट ऑफ माइन का काम है एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन। एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन हम जो हमारे लीज होल्डर है ये बात समझने की है, ये आम लोगों से हम कलेक्ट नहीं करते, जो लीज होल्डर है जो प्रोडक्शन करते हैं उनसे हम एक्साइज ड्यूटी कलेक्ट करते हैं, और वही एक्साइज ड्यूटी फिर हम जो हमारे माइन लेबर्स है उन के पलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं उस पर हम लगाते हैं। उसमें डिस्पेंसरियाँ शामिल है, जो मिनरल रिच मिनरल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ है जो जहाँ पर क्लस्टर हैं वहाँ पर हम डिस्पेंसरियाँ कायम करते हैं, और उसमें ट्रेन बंदे हमारे होते हैं बाकायदा उनके साथ मेडिसिन होती है, जो सिर्फ माइन लेबर्स है उन के इलाज और उनको फर्स्ट एड फराहम करती है। इसके अलावा जो हमारे माइन वर्कर्स हैं लेबर्स हैं उनके बच्चों की तालीम उन पर हम स्कॉलरशिप उनको हम दे रहे हैं, वो स्कॉलरशिप्स प्राइमरी क्लास से लेकर मास्टर्स तक, और इवन हम जो यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी या मेडिकल में जो हमारे माइन लेबर्स के बच्चे हैं उनको हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं ताकि वो इनक्रेज हो और वो अपनी तालीम जारी रख सके। वो सबसे अहम चीज़ जो है वो फर्स्ट टाइम हम ऑनलाइन सिस्टम है हमारा, जो माइन लेबर्स है उनकी रजिस्ट्रेशन हम कर रहे हैं, और अभी तक अराउंड 20,000 लेबर्स उस पर रजिस्टर है। इसके अलावा जो डिसेबिलिटी ग्रांट्स है, खुदा ना खास्ता कोई लेबर दौरान माइनिंग उसकी कोई डिसेबिलिटी हो जाए उनके लिए हमारे पास स्टिपेंड्स है, और उनकी जो मेडिकल पे जितना उनका खर्च आता है वो हम गवर्नमेंट कंपनसेट करती है, या जो पल्मोनरी डिजीज़ है उन पे हमारे जो फंड्स है उस पर लगते हैं। इसके साथ साथ जो एक्साइज ड्यूटी फंड्स थी वो काफ़ी टाइम से इसी तरह पड़ी थी, तो वो इस साल हमने उसको इन्वेस्ट किया है बैंक ऑफ खैबर में, और उससे अभी काफ़ी खातर हाउस पे वो प्रॉफिट आएगा, तो हम माइन लेबर पे वो पैसे भी लगाएंगे। इसी तरह नया स्कीम हम ला रहे हैं डिप्लोमा इन जिमालोजी और माइन सेफ्टी लॉस, वो यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग के साथ हमारा एमओयू साइन हुआ है, और जो लेबर वर्कर्स है उनको हम उनके बच्चों को हम डिप्लोमास जिमालोजी में और लेबर सेफ्टी लॉस में उसको हम डिप्लोमा हम उनके कर रहे हैं, और जितना खर्चा है वो यही कमिश्नरेट ऑफ माइन लेबर वो खर्चा वही उठाएगी। तो ये चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। थैंक यू।